हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं क्लास सिक्स साइंस चैप्टर वन, और जिसका नाम है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी फूड के बारे में जानेंगे और वेयर डज इट कम फ्रॉम यानी वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है। और ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसमें कुछ चीज़ें आपको पहले से पता होंगी और कुछ नई चीज़ें भी आप इसमें सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। वॉट डिड यू ईट एट होम टूडे, आज आपने क्या खाया। फाइंड आउट वॉट योर फ्रेंड एट टूडे, और ये भी जानिए कि आपके फ्रेंड ने आज क्या खाया। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे, क्या आपने जो कल खाया था वही आज खाया है। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, हम अलग अलग समय पर अलग अलग तरह के जो फूड होते हैं, फूड आइटम्स, वो लेते हैं। इजंट इट, क्या ये सही नहीं है। फूड वैरायटी, फूड वैरायटी के बारे में थोड़ा सा हम एक्टिविटी के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दैट वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। आस्क योर फ्रेंड्स यानी अपने दोस्तों से पूछे स्कूल में अबाउट द आइटम्स, उन आइटम्स के बारे में दे वुड बी ईटिंग, जो वे खा रहे होते हैं ड्यूरिंग अ डे, दिन के समय में। सी इफ यू कैन ऑल्सो गेट, देखे यदि आप प्राप्त कर सकते हैं क्या दिस इंफॉर्मेशन, इसी इंफॉर्मेशन को। कहाँ से? फ्रॉम फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड से। स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, जो इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में रह रहे हैं। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1। ये 1.1 में एक टेबल गिवन है, इसमें जितने भी आइटम्स हैं जिसको आपने जाना है अपने फ्रेंड से, उसके बारे में आप नोट कर सकते हैं इसमें कि कौन कौन से फूड आइटम्स उन्होंने खाए हैं। तो कुछ फूड आइटम्स होंगे और वो फूड आइटम्स क्या होंगे, सबके अलग अलग और सबके डिफरेंट डिफरेंट होंगे, तो उसको आप अपने पास नोट करके रख सकते हैं एक टेबल बना करके। इसके बाद है देयर सीम्स टू बी सो मच वैरायटी इन द फूड दैट वी ईट, जो हम खाते हैं उसमें ऐसा मालूम पड़ता है कि इसमें बहुत सारी वैरायटीज हैं खाने में, क्योंकि अलग अलग जो लोग हैं उनकी चॉइसेस भी अलग अलग होती है और सब जो होते हैं अलग अलग तरह का फूड लेते हैं। वॉट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ, अब जितने भी फूड आइटम्स होते हैं वो किस किस चीज़ के बने हुए होते हैं। थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम, अगर हम कुक्ड राइस के बारे में सोचते हैं थोड़ा सा, तो वी टेक रो राइस, तो हम क्या लेते हैं, कच्चे जो चावल होते हैं उनको लेते हैं एंड बॉयल इट, उसको बॉयल करते हैं इन वाटर, पानी में। जस्ट टू मटेरियल्स और ग्रेडियंट्स आर नीडेड, इसमें केवल दो इंग्रेडिएंट की जरूरत होती है, किस किस की, वाटर की और राइस की, रो राइस की। टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉयल्ड राइस, तो बॉयल्ड राइस को प्रिपेयर करने के लिए केवल दो ही इंग्रेडिएंट चाहिए, वाटर और रो राइस यानी कच्चे चावल। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इन्ग्रीडियंट्स, कुछ फूड आइटम्स ऐसे भी होते हैं कि जो जिनमें इन्ग्रीडियंट जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, अलग अलग होते हैं। टू प्रिपेयर वेजिटेबल्स करी वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसिस, ऑयल एंड सो ऑन। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी, अगर वेजिटेबल करी बनाते हैं तो हमें किसकी ज़रूरत होती है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, अलग अलग तरह की वेजिटेबल्स की ज़रूरत होती है, या सॉल्ट की ज़रूरत होती है, स्पाइसी जो होते हैं, मसाले जो होते हैं, या फिर ऑयल, या इसके अलावा और भी इंग्रेडिएंट हो सकते हैं। इसके बाद जानते हैं एक्टिविटी टू है, एक्टिविटी टू में क्या कुछ दिया हुआ है। चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1। अब 1.1 में आपने टेबल में क्या लिखा था कि अलग अलग आपके जो फ्रेंड्स हैं वो क्या क्या फूड, कौन कौन से फूड लेते हैं, एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज टू प्रिपेयर दीज बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम, आप दोनों से डिस्कस करें, अपने फ्रेंड से भी और अपने जो बड़े होते हैं घर में उनसे भी डिस्कस करें कि ये जो भी फूड आइटम बने हुए हैं इनमें किन किन इन्ग्रीडियंट्स का यूज़ किया गया है। लिस्ट देम इन टेबल 1.2, और जो दूसरे वाली टेबल है उसमें उसको लिस्ट बना लीजिए उसकी। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हेयर, इसमें कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे इसमें टेबल में दिए हुए भी हैं। एड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट, और उसमें आप कुछ और आइटम्स भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए 1.2 लिस्ट है, जिस तरीके से यहाँ पे अभी ऐसी एक लिस्ट बना सकते हैं जिसमें फूड आइटम और इंग्रेडिएंट्स, यानी जैसे फूड आइटम में क्या हो गया, रोटी चपाती हो गई, तो उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं, आटा और वाटर। दाल हो गया, दाल में कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं, पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल या फिर घी उसमें यूज होता है, और स्पाइसेस होते हैं, तो उसमें आप अपनी तरफ से और भी कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करके क्या होगा, आपकी एक टेबल जो होगी वो अच्छे से तैयार हो जाएगी, आपको जानकारी हो जाएगी कि
कौन कौन से फूड आइटम में कौन कौन से इंग्रेडिएंट का यूज़ किया गया है। व्हाट डू वी फाइंड, हम क्या देखते हैं, डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स, डिस्कस इन क्लास। यानी कई इंग्रेडिएंट ऐसे भी होते हैं जो कॉमनली यूज किए जाते हैं अलग अलग फूड आइटम्स में भी, वही इंग्रेडिएंट यानी कॉमन जो होते हैं सभी में यूज के होते हैं ज़्यादातर। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट कम फ्रॉम, इसलिए ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो कहाँ से हमें मिलते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं। फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, यानी फूड मटेरियल्स होते हैं जो होते हैं वो और उनके कौन कौन से सोर्सेज होते हैं वो हमें पता लग जाएंगे, किस किस सोर्स से हमें वो मिलते हैं। इट मे बी ईजी फॉर अस, ये हमारे लिए आसान होगा, टू गेस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इन्ग्रीडियंट दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2। अगर हमने टेबल 1.2 बनाई है तो वहाँ से हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि ये हमें कौन कौन से सोर्सेज से मिलते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस, यानी ज़्यादातर जो होता है जो फ्रूट्स होते हैं या जो वेजिटेबल्स होते हैं उन्हीं से प्राप्त होते हैं। वेयर डू दे कम फ्रॉम, वे कहाँ से मिलते हैं। प्लांट्स ऑफ कोर्स, क्या किससे मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। और व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और वीट, राइस के और वीट के सोर्सेज क्या होते हैं। यू मे हैव बीन पेडी और वीट, पेडी से क्या मिलता है, राइस मिलता है। और जो वीट जो होता है वीट प्लांट से मिलता है, वीट फील्ड से। विद रो एंड रो ऑफ प्लांट्स, यानी रो जो जो प्लांट्स की जो रोज होती है उनमें से हमें प्राप्त होता है। विच गिव अस दीज ग्रेन्स, जहाँ से हमें इस तरह के अनाज जो होते हैं वो मिलते हैं। एंड देन देर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स, मीट, चिकन्स, फिश, प्रॉन्स, बीफ, पोर्क एंड सच अदर्स विच कम फ्रॉम एनिमल्स, ये हमें किससे मिलते हैं, सारी चीज़ें एनिमल्स से मिलती है। तो एक एक्टिविटी है इसमें, एक्टिविटी नंबर 3, क्योंकि एक्टिविटी भी ज़रूरी होती है पढ़नी, उनको भी एक्टिविटी करना भी ज़रूरी होता है। एक एक्टिविटी करने से सारी चीज़ें जो होती है छोटी छोटी हमें सभी लर्न हो जाती है। लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर, जो आपने पहले लिस्ट बनाई है उसमें से कुछ फूड आइटम्स लेते हैं। एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम, और उनको जानने की कोशिश करते हैं कि वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। द इन्ग्रीडियंट्स एंड देयर सोर्सेज, सम एग्जाम्पल्स आर शोन इन टेबल 1.3, फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल 1.3 एंड ऐड मोर एग्जाम्पल्स, उसमें कुछ और एग्जाम्पल्स भी हम लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या नाम लिस्ट है जिसमें क्या है, फूड आइटम्स है, इंग्रेडिएंट्स है और सोर्सेज है। तो सबसे पहले फूड आइटम की बात करते हैं, इडली जो होता है किससे बनता है, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, राइस हो गया, उड़द की दाल हो गई, सॉल्ट हो गया और वाटर। और सोर्सेज क्या है, प्लांट से मिलते हैं। ये सारे जितने भी चीज़ें होते हैं इंग्रेडिएंट जो होते हैं हमें कहाँ से मिलते हैं, सभी प्लांट से प्राप्त होते हैं। चिकन करी ये होता है, चिकन उसमें चाहिए स्पाइसी चाहिए, ऑयल या घी और वाटर। और ये हमें एनिमल से मिलता है, ऑयल घी जो होता है कई प्लांट से या फिर एनिमल से भी हमें मिलता है। खीर बनाने के लिए क्या होता है, मिल्क, राइस और शुगर। और मिल्क जो होता है एनिमल से, राइस जो होता है या शुगर जो होता है वो हमें प्लांट से ही ऑब्टेन करते हैं हम उसको। तो अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट होते हैं जो फूड को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो अब देखते हैं आगे, व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी, एक्टिविटी से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं। एक्टिविटी 3 से, प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। यानी प्लांट जो होते हैं वही सोर्स होते हैं इंग्रेडिएंट के, जो जैसे ग्रेन होंगे या फिर सीरियल्स होंगे, जो भी अनाज होते हैं जिस भी तरह के, या वेजिटेबल्स हो गए या फ्रूट्स हो गए, ये सभी कहाँ से मिलते हैं हमें, दे कम फ्रॉम प्लांट्स। एनिमल्स प्रोवाइड अस विद मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स, जितने भी एग्स है या मिल्क के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं या मीट है वो हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है। काव, गोट एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क, जो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सारे जितने भी मिल्क के प्रोडक्ट्स होते हैं ये सभी पूरे वर्ल्ड में मिल्क से ही तैयार किए जाते हैं। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स गिव अस मिल्क, क्या आप कुछ ऐसे एनिमल्स के नाम भी बता सकते हैं जो हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं। प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, यानी प्लांट्स के जो कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे लीव्स होगी, स्टेम्स हो गया, फ्रूट्स हो गया और रूट्स हो गई, या फिर एनिमल के जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे मिल्क हो गया, एग हो गया, हनी हो गया, यानी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमें
कुछ एनिमल से मिलते हैं, कुछ प्लांट से मिलते हैं। तो प्लांट्स आर वन ऑफ द वन सोर्स ऑफ आवर फूड। प्लांट्स जो होते हैं एक सोर्स होता है हमारे लिए फूड का, विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, जो किसका पार्ट है, प्लांट के पार्ट्स होते हैं। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, हम बहुत सारी लीफी वेजिट यानी पत्तियों वाली सब्जियां खाते हैं। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, हम फल खाते हैं कुछ जो हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। समटाइम्स रूट्स, कभी कभी हम रूट भी खाते हैं। समटाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स, और यहाँ तक कि स्टेम्स और फ्लावर्स भी लेते हैं। और इसके बाद एक टेबल और भी देखिए यहाँ पे, चलो उसके इसको तो बाद में डिस्कस करेंगे भी। हैव यू एवर ईटन, क्या कभी आपने खाया है पम्पकिन फ्लावर, जो पम्पकिन फ्लावर जो होता है डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड ट्राइड, क्या कभी आपने जो पम्पकिन का जो फ्लावर जो होता है कभी आपने उसको खाया है डिप्ड इन राइस पेस्ट, राइस पेस्ट में डिप करके एंड फ्राइड, और उसको फ्राई करके ट्राई इट, इसका भी जिसे आप ट्राई कर सकते हैं। सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल या ईटेबल भी कह सकते हैं इसको पार्ट्स। सम प्लांट्स हैव टू और मोर, यानी कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनके दो या दो से ज़्यादा जो भाग होते हैं, जो दो से ज़्यादा जो हिस्से होते हैं वो खाने के काम में आते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल, जो सरसों के जो दाने होते हैं, सरसों का जो सरसों से हमें क्या मिलता है, ऑयल मिलता है। एंड द लीव्स आर यूज एज अ वेजिटेबल, और उसकी जो लीव्स होती है, जो पत्तियाँ होती है, उसको हम वेजिटेबल के रूप में लेते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना, जो बनाने के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, क्या आप उसके बारे में सोच सकते हैं। दैट आर यूज एज फूड, जो फूड के रूप में यूज किए जाते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर टू और मोर पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज एज फूड, यानी कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनके दो या दो से ज़्यादा पार्ट जो होते हैं वो खाने के काम में लिए जाते हैं। और इसके बारे में आप और भी प्लांट्स के बारे में जान सकते हैं। इसके बाद और एक छोटी सी एक्टिविटी आ गई है, एक्टिविटी नंबर 4। फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3, यानी जितने भी फूड आइटम्स आपने 1.3 जो टेबल बनाई है उसमें जितने भी लिस्टेड किए गए हैं, चूज दोज आइटम्स हुज ग्रेडियंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, उसमें से चूज करिए वो आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, जिसके इंग्रेडिएंट प्लांट से ऑब्टेन किए गए हैं। विच पार्ट ऑफ अ प्लांट, और प्लांट के किस हिस्से से, आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट्स एज शोन इन द टेबल 1.4। और उसमें उसके पार्ट जो है उसको भी हम शो कर सकते हैं कि कोई हमें स्टेम से मिलता है, कोई हमें फ्लावर से मिलता है, कोई फ्रूट से मिलता है। तो इस तरीके से एक टेबल है, उसको भी आप देख सकते हैं। जैसे सबसे पहला क्या है, फूड आइटम्स विद प्लांट एज द मेजर सोर्स, यानी ब्रिंजल करी इसको हम कहते हैं। उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं, इसमें होते हैं ब्रिंजल हो गया आपका, चिली एज स्पाइस, स्पाइस के रूप में चिली का यूज करते हैं, या एनी अदर कोई स्पाइस इसमें डाल सकते हैं। ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट। और जो ब्रिंजल जो होता है ये फ्रूट है, और चिली जो होती है ये भी फ्रूट के रूप में होती है, और जो ऑयल होता है वो हमें कहाँ से मिलता है, सीड से मिलता है, लेकिन उसका सोर्स क्या है, प्लांट पार्ट, यानी जो प्लांट के जो पार्ट्स हैं। प्लांट के पार्ट क्या हो गए, जैसे फ्रूट्स हो गया, सीड्स हो गए, तो ये प्लांट के पार्ट्स हैं जहाँ से हमें वो इन्ग्रीडियंट मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इसमें डायग्राम के थ्रू भी आप जान सकते हैं। इसके बाद एक छोटी और एक्टिविटी आती है, एक्टिविटी नंबर 5। इस एक्टिविटी में आप क्या देखेंगे, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, मूंग और चना के कुछ ड्राई सीड्स ले लेते हैं। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे, क्या करें, मूंग या चना ले ले कुछ क्वांटिटी में और उसको पानी में भिगो करके किसी कंटेनर में रख दे एक दिन के लिए। नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या होगा, ड्रेन द वाटर कंप्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल, उसमें से पानी जितना है उसको बाहर निकाल दें, और जो जो उसके सीड्स हैं उसको ऐसे ही छोड़ दें, पानी इसमें से पूरी तरीके से ड्रेन आउट कर दें। रैप देम विद अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड, उसको एक सूखे कपड़े से, वेट क्लॉथ यानी पीस ऑफ वेट क्लॉथ, गीले कपड़े से क्या करें, उसको बांध दे और उसको एक साइड में रख दे। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड, क्या आपको उसमें जो सीड्स जो थे क्या उसमें कोई आपको चेंज दिखाई देगा, तो आपको इस तरीके से चेंज दिखाई देगा। पहले आप उसको भिगो कर रखेंगे, भिगोने के बाद में क्या होगा,
उसमें से जो वाटर जो है उसको ड्रेन आउट कर देंगे, बाहर निकाल देंगे अगले दिन, एक दिन तक भिगो के रखना है। फिर उसके बाद क्या हो जाते हैं, सब वो स्प्राउटेड हो जाते हैं, सभी वो उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे सीडलिंग्स निकल जाते हैं। अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स। आपको क्या दिखाई देगा, एक छोटी सी वाइट कलर की जो स्ट्रक्चर होगी वो सीड से बाहर आती है निकल के। इफ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड, यदि ऐसा होता है तो आप समझ जाइए कि सीड कैसे हो गए हैं, स्प्राउटेड हो गए हैं। इफ नॉट, यदि ऐसा नहीं होता है, वॉश द सीड इन वाटर, तो सीड्स को क्या करिए, वाटर से अच्छे तरीके से वॉश कर लीजिए, ड्रेन द वाटर, उसमें से पानी को बाहर निकाल दीजिए, एंड लीव दैम असाइड, और उसको एक साइड रख दीजिए, फॉर अनदर डे, एक दिन और के लिए, कवर्ड विद अ वेट क्लॉथ, और क्या करे, किससे कवर कर दे इसको, गीले कपड़े से उसको कवर कर दे, द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या होगा, सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड, कि जो अलग जो सीड्स होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, स्प्राउटेड हो जाते हैं, वो भी जड़ जाते हैं। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स, उन स्प्राउटेड सीड्स को वॉश करके यू कैन ईट दैम, उनको आप खा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, उनको बॉइल भी किया जा सकता है, एड सम स्पाइसिस, उसमें कुछ स्पाइसिस भी, कुछ मसाले भी इसमें मिला सकते हैं, एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट, और क्या बन जाता है, एक टेस्टी स्नैक बन जाता है खाने के लिए। तो इसके बाद ये बहुत अच्छी चीज़ है, और इसमें क्या होता है, बहुत सारे विटामिन भी, आपको जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है ये भी इसमें आ जाता है। ये आप देख सकते हैं ग्राम, ये भी स्प्राउटेड हो गया है। इसमें क्या होता है, इसमें न्यूट्रिशन जो होती है उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू जो होती है वो बढ़ जाती है। ऐसा अगर हम करते हैं, अगर हम स्प्राउटेड बना देते हैं तो स्प्राउटेड में जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है, अच्छी हो जाती है। और भी, डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम, क्या आप जानते हैं कि जो हनी होता है वो कहाँ से मिलता है, और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड, और किस तरीके से वो प्रोड्यूस होता है, किस तरीके से उत्पन्न होता है। हैव यू सीन अ बीहाइव वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट, क्या आपने बीहाइव क्या होता है, जो मधुमक्खी का छत्ता जो होता है, क्या आपने उसको देखा, वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट, उसके आसपास में क्या करते रहते हैं, बहुत सारी जो बीज होती है, जो मक्खियां जो होती है वो बज की आवाज़ करती है, वो उसके आसपास मंडराती रहती है। बीज कलेक्ट नेक्टर, बीज क्या, जो ये मक्खियां क्या करती है, नेक्टर को कलेक्ट करती है, स्वीट जूसेस, नेक्टर क्या है, स्वीट जूसेस होता है, जो फ्लावर से, जो अलग अलग तरह के जो फ्लावर्स होते हैं वहाँ से उसको, उस नेक्टर को वो कलेक्ट करके लाती है, कन्वर्ट इट इन टू हनी, और उसको हनी में बदल देती है, एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, और उसको अपने छत्ते में, जो उनका हाइव जो होता है, छत्ता जो होता है, उसमें स्टोर करके रख देती है। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर, जो फूल जो होते हैं वो हमेशा नहीं होते, एक सीजन वाइज होते हैं। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर्स मे बी अवेलेबल, वो अवेलेबल होते हैं ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, साल के कुछ ही टाइम में, कुछ महीनों में ही वो अवेलेबल होते हैं, पूरे साल नहीं होते। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर, लेकिन जो बीज जो होती है उसी नेक्टर को, क्योंकि उसे पता है कि आगे अवेलेबल होने वाला नहीं है कुछ टाइम के लिए, तो उस नेक्टर को अपने पास में रखते हैं और उसको पूरे साल उसका यूज़ करते हैं, क्या करने के लिए, हनी में उसको कन्वर्ट करने के लिए। वैन यू फाइंड सच अ बिहाइव, जब हम देखते हैं इस तरह के बिहाइव, इस तरह के जो छत्ते देखते हैं, वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी, तो हम क्या करते हैं, हम कलेक्ट करते हैं द फूड स्टोर्ड, जो उन्होंने फूड स्टोर किया है, बाय द बीज, जो बीज ने कलेक्ट किया है, किसके रूप में, हनी के रूप में। और आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट डू एनिमल्स ईट, कि एनिमल्स क्या खाते हैं, डू यू हैव कैटल और अ पैट दैट यू टेक केयर ऑफ, क्या आपके पास कोई कैटल या कोई पैट है, अ डॉग कैट बफेलो और अ गोट, इनमें से कोई भी, यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल्स ईट, यानी आप उसमें उसके बारे में अवेयर रहेंगे कि आपका एनिमल क्या खाता है। वॉट अबाउट अदर एनिमल्स, जो दूसरे एनिमल्स जो होते हैं वो भी कुछ इसी तरीके से खाते होंगे। हैव यू एवर ऑब्जर्व वॉट अ स्क्वेरल पिजन लिजर्ड और स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटिंग एज देयर फूड, आपने ये ऑब्जर्व भी किया होगा कि जो स्क्वेरल जो होती है या जो पिजन जो होता है या लिजर्ड जो होता है, छिपकली इसको हम कहते हैं, स्मॉल छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, वो भी क्या करते हैं, वो भी अपना फूड इसी तरीके से लेते हैं। तो उन्हीं के बेसिस पर हम बता सकते हैं, जैसे एक्टिविटी 1.6 है, सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5, एक नीचे टेबल गिवन है, अभी टेबल में आपको दिखाऊंगा।
उसमें कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो लिस्टेड हैं फॉर सम ऑफ देम, उनमें से कुछ द टाइप ऑफ फूड, उनके जो फूड जो है वो किस किस टाइप के फूड देते हैं वो भी उसमें गिवन है। दे ईट इज ऑल्सो गिवन, ये भी इसके अंदर टेबल में गिवन है। फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल, टेबल में कुछ ब्लैंक्स भी हैं जिसको आप फिल कर सकते हैं। तो एक्टिविटी 7, हैव अ लुक अगेन द टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड हेयर एज फॉलोज। प्लेस एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट। तो इसको हम क्या करें, जितने भी एनिमल्स के नेम हैं यहाँ पे देखिए टेबल में, बफेलो, कैट, रैट्स, जितने भी हैं सभी के बारे में क्या दिया हुआ है कि कौन कौन से जो फूड आइटम्स होते हैं वो खाते हैं, वो कौन कौन सा उनका फूड होता है। तो इस तरीके से हम उसको क्या कर सकते हैं, ग्रुप में बांट सकते हैं अलग अलग। तो उनके ग्रुप बना लेंगे, तो ग्रुप बनाने के बाद हमें क्या पता चल जाएगा, हमें ये पता चल जाएगा कि कितने इनमें से प्लांट ईटर्स हैं, कितने इनमें से प्लांट्स और फ्लैश दोनों को खाते हैं, या फिर कितने ऐसे हैं जो केवल फ्लैश ईटर्स हैं। तो इनसे हम ये इस जानकारी का पता लगा सकते हैं, ऐसी जानकारी हमें मिल जाएगी जब हम कोई ग्रुप बना देंगे अलग अलग। दीज आर कॉल्ड हर्बीवोर्स, उन्हें हर्बीवोर कहेंगे जो सारे प्लांट ईटर्स होते हैं, यानी प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट खाने वाले जितने भी होंगे वो सब हर्बीवोर्स होंगे। देर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। प्लेस दीज इन ग्रुप सेकंड, उनको क्या करें ग्रुप सेकंड में रखें। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स, ये सारे एनिमल्स क्या हैं कार्निवोर्स है। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्या आप इस तरह के कुछ एनिमल्स ही बता सकते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही खाते हैं। प्लेस देम इन ग्रुप थ्री, उसको क्या कहाँ रखें ग्रुप थ्री में रखें। दीज आर कॉल्ड ओमनिवोर्स, ये क्या होंगे ओमनिवोर्स। प्रिपेयर अ टेबल एज इन टेबल 1.6 एंड एंटर दीज सेपरेटली इन द थ्री कॉलम्स एज शोन, और इसमें क्या करें टेबल को प्रिपेयर करें और उसमें जिस तरीके से अलग अलग सेपरेटली सेपरेट दिया हुआ है अलग अलग कॉलम्स में उसको आप फिल कर सकते हैं। जैसे काव है, काव किस में आएगा हर्बीवोर में आएगा या कार्निवोर में आएगा, आपने जैसे अभी देखा पहले एक प्लांट काव क्या होता है प्लांट ईटर्स होता है, यानी प्लांट या प्लांट के जो प्रोडक्ट होते हैं वही खाता है। ऐसे ही कार्निवोर कौन होता है लॉयन, लॉयन क्या होगा कार्निवोर, क्यों क्योंकि ये लॉयन ईट्स द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। इसी तरीके से ओमनिवोर्स क्या होता है, ओमनिवोर्स में के बारे में क्या बताया, ये प्लांट और मीट दोनों को खाते हैं, तो ये ओमनिवोर्स हो गए। जैसे डॉग इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो ऐसे और भी एनिमल्स आप इस टेबल में फिल कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ इसमें बॉक्सेस दिए हुए हैं तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से हर्बीवोर्स है, कौन कौन से कार्निवोर्स है, कौन कौन से ओमनिवोर्स है। वी नो दैट देर आर मैनी अमंगस्ट अस हु डू नॉट गेट सफिशियंट फूड, हम ये जानते हैं कि हम में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास सफिशियंट फूड नहीं होता। वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, वी नीड टू फाइंड, हमें ये जानने की जरूरत है, क्या जानने की जरूरत है, वेज बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड, जिसके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोडक्शन किया जा सके इन द कंट्री, हमारी कंट्री में। दैट विल नॉट बी एनफ, जो पर्याप्त नहीं होगा। वी विल need to find ways to ensure that this food is made easily available to one of us. We will need, हमें ज़रूरत होगी किसकी, to find ways, उन तरीकों को खोजने की ज़रूरत होगी जो ensure करते हैं, to ensure that this food is made easily available to one of us, ताकि हर किसी को food जो होता है वो available हो सके। तो इसी के साथ, इसी paragraph के साथ आपका ये chapter complete हो गया।